व्हाट्सअप गाइस, क्या सबसे लोग आज हम खेलने जा रहे हैं कंक्रीट ब्लेड। तो गाइस, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये गेम है कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गेम जो है बेसिकली एक ट्रेडिशनल गेम है, जिसमें कि आपके पास एक आर्मी होती है, आपको मतलब अपोनेंट से लड़ना होता है पूरी आर्मी के साथ, और आपके साथ टीम मेम्बर्स भी होते हैं बहुत सारे, उनके पास भी आर्मी होती है। तो जिसमें अभी हम है ये है कास्टल, इससे अभी हम मैच में जाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो है एक टीम दी जाती है आपको, पूरी टीम मतलब उसमें 15 लोग होंगे, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी आर्मी होगी और आपके पास भी अपनी आर्मी होगी। जैसे ये बंदा मेरे को एक चैलेंज के लिए, उसने ये चैलेंज कर रहा है बंदा मेरे को, देखते हैं उसका हालत, अब देखते जाओ। ये है चैलेंज किया उसने ड्यूल के लिए, मतलब बिना मैच में एंटर किए लॉबी में ही हम खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। ओ भाई, तो पहले लग रहा है यार। ओ रुक जा रुक जा भाई, रुक जा, अबे रुक जा यार, चल चल भाग ले भाग ले भाई साहब। ओश यार, पावर खत्म है बिल्कुल, भागने दे भाई यार, पीछे पीछे दौड़ने लग रहा, पीछे ही आ रहा, देखो पीछे दिखाता हूँ अभी, देखो देखो। ओ यार भाग 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 भाग, पीछे ही दौड़ने लगा पड़ा। तो चल मैच स्टार्ट होने वाला है, कोई नहीं, अब पकड़ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैच स्टार्ट हो जाएगा, हम सीधा मैच में होंगे। बस 3 2 1 लेट्स गो इन द मैच। अरे आप पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब यह है एक मैप, जिस मैप के बारे में मैं बता रहा था आपको, ये पूरा मैप है आपको। इसके अंदर जो है ये ब्लू लाइन, जो ब्लू वाले जो दिख रहे हैं ये आपके लिए होते हैं, और रेड वाले जो है वो अपोनेंट्स हैं, और ये पूरी टीम है आपकी। नीचे में जो दिख रहे हैं आपको ये सारे नीचे में जो आप, जैसे मैं अभी वेपन चूज कर रहा था, ठीक है, अभी मैंने लिया साइज, मतलब ये अपने पास टोप वोप होती है, और ये सारे ट्रुप्स हैं अपने आगे ट्रुप्स है, ठीक है। हम चेंज कर सकते हैं, जितना हमारे पास पॉइंट होंगे उतने ही हम ट्रुप्स ले सकते हैं। तो मैंने सबसे सस्ते वाला लिया है, क्योंकि मेरे को जो है, अभी देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे जो है आपके लिए मतलब जैसे होता नहीं है गेट तोड़ने के लिए, और बिना क्या नाम है सीढ़ी लगाए ऊपर चढ़ने के लिए आपके लिए एक एक मशीन लगी होगी वहाँ पे, तो उन मशीनों को चलाने के लिए सस्ते वाले काम आते हैं। अभी देखते हैं हम क्या करना है। पहले यार आवाज़ वाज तो बंद कर देता है, क्योंकि वरना फिर आवाज़ ही आती रहती है उनमें बहुत सारे लोग, कोई माइक बंद करना, सब माइक बंद करना भूल जाते हैं, और माइक आवाज़ ऐसी आती रहती है। तो अब एंटर हो रहे हैं मैच के अंदर। तो गाइस, ये जो गेम है ये है लगभग 60 GB या 70 GB का। तो आपको इस गेम को खेलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेगी, जैसे मतलब उसमें लिखी होंगी कि क्या क्या चीज़ आपके पीसी में होना चाहिए। मेरे पास तो है लैपटॉप, तो उसमें है i5 और 3050 ग्राफिक कार्ड है, तो चल जा रहा है इसमें, हल्का हल्का लैग मारेगा, चल जाता था। तो अब स्टार्ट हो गया है अपना मैच। तो ये है अपनी पूरी टीम, देखा आपने कितने सारे लोग थे, इतने सारे पूरे अपनी ही टीम थी। अब देखो सामने जो बड़ी बड़ी मशीन्स थी ना, उन्हीं को हमें चलाना, देखो सामने है बड़ी मशीन, हाँ उसको मैं भी चलाने देख रहा हूँ चलेगी तो नहीं, मतलब बंदे ना अपने आप इसको चूज़ कर लेते हैं, बंदे ही छोड़ देते हैं चला, पर अपने ही लोगों को चलाना पड़ता है। देखो अभी दिखाता हूँ, पहले कैन रखा हुआ है, पहले कैनन से तोड़ूंगा, नहीं पहले अपने लोग काम पे लगा, हाँ देखो अब अपने बंदे जा रहे हैं उसको चलाने के लिए। अब ये अपने कैनन से 3 2 1 बूम, कुछ नहीं लो नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर करके मारना पड़ेगा, एडजस्ट हो रहा है, चल चल मार दे यार। तो मैंने यहाँ स्पीड इसलिए कर ली क्योंकि इसमें जो है मैं अभी कैनन से ही खेलते रहूँगा, देखो बहुत देर तक कैनन चलते रहेगा इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब उन सबको इधर उधर करने के लिए, इधर उधर भगाने के लिए कैनन से मारने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे कोई सामने खड़ा है, अगर हम अपनी आर्मी लेके पहुँचेंगे दोनों तरफ के मरेंगे, और अपनी आर्मी को अगर मैंने यहीं खड़ा कर रखा है और यहाँ से कैनन से मार रहा हूँ, वैसे ही मार दूंगा सारे उनके लगभग। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैनन से हम फोड़ फाड़ करेंगे उनकी, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं करेंगे, वो भी अपने कैनन से मारेंगे, देखना अभी उनके कैनन से भी आएंगे और देखते जाओ। पहले थोड़ा अपने आर्मी को सेट कर देता हूँ ताकि वो जाके वहाँ पे अटैक भी कर सके थोड़ा वो, देखो आने वाला हूँ पाँच एक थोड़ा पड़ी स्टार्ट होगी, देखो तो चलते हैं उन्हीं तरफ, हमें थोड़ा अपने किसी से मारते रहे। ये क्या चीज़ है, बहुत सारी तीर निकलेगी, देखो तीर तीर निकलते रहेगी, वो अपने कैनन देखे ये तीर वाले, इसमें बहुत सारे तीर निकलते हैं एक बार। हमारे मतलब सपोर्ट के लिए बहुत कुछ होता है,
और उनके लिए इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि उनका गेट बंद होता है, और गेट तोड़ने में हमें टाइम लग जाता है। यार ये तो जाएंगे वहाँ तक क्योंकि घोड़ों के लिए ना ये बहुत तगड़े बंदे हैं, क्योंकि इनके हाथ में भाले हैं और ये दूर से मारते हैं घोड़े वाले, मतलब इनकी पावर खत्म होगी ऐसे नहीं, पावर खत्म नहीं होगी पर ये दूर से मारते हैं इसीलिए इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। घोड़े कैसे तेज लगा देते हैं, थोड़ा बहुत मैं इसी तरीके से वो बंदा भाग रहते हैं उसके पीछे पड़ गए सारे मेरे वाले। वो बीच में पूरी अपोनेंट ही मार मार तीर से जा रहे हैं, तीर की बोछार लगी खत्म हो गया सर। देखो देखो ऊपर तो दिख रहा है लाल लाल, वो है टर्बुलेंस स्ट्राइक। देखो मतलब हमारा जो है, हमारे पास एक एक सबको दिया होता है टर्बुलेंस स्ट्राइक। इससे होता क्या है, मतलब हमारे ना मैप में सबसे पीछे, हमारे तरफ के सबसे पीछे में हमारे लिए वो लगे होते हैं बड़े बड़े, मतलब एक तरह का गुलेल टाइप का कैटापुल्ट, जैसे कि दूर से पत्थर या आग जैसे पत्थर वो आके वहाँ पर गिरते हैं, तो वही सबके पास एक एक दिया होता, सारे अपने टीम मेट्स के पास एक एक बार दिया होता चांस, तो हम सब एक एक बार यूज़ कर सकते, तो वही उसमें एक एक बंदे ने यूज़ कर लिया और मैं यूज़ नहीं किया, मैं भी यूज़ कर लिया। चलो अपने बंदों को बुलाया कम, क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट होता है। देखो ऊपर चल रहे हैं 7 मिनट 6 सेकेंड 22 21 यार ये शेट असर किया, यार ये शेट 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 फंस गया मैं, फंस गया शेट पास भाग में दे यार, चल फंस गया हमें जो है इसके अंदर, मतलब इस गेम में जैसे दिख रहा है आपको बी सी ए, हमने ए पॉइंट कैप्चर कर लिया, अब बी को कैप्चर कर रहा है हमारे गलत और अब सी को करना पड़ेगा। इनसे जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कैप्चर करने के लिए, और सी कैप्चर होते ही फिर अंदर में सबसे मतलब हेड जो होता है ना उसको कैप्चर करना पड़ेगा, अगर वो कैप्चर हो गया तो हम जीत जाएंगे। इन ए बी सी से तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और उसको कैप्चर करने से हम जीत जाएंगे। तो दोबारा चलते हैं अब नए बंदे लेके, अपने बंदे जो सेट हो जाएंगे, फिर वहीं खड़े रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं वहाँ से, कोई आ ही नहीं पाएगा यहाँ से। अगर यहाँ तीर वाले मारना शुरू कर दे तो इसलिए साइड कर देते हैं, क्योंकि तीर वाले दूर से मारेंगे तो फिर अपने बंदे की पावर खत्म होते रहेगी, ऐसी पीछे रखता हूँ यही तीर वाले ऐसे खड़े हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अपने तो सस्ते वाले हैं, इनके तीर वाले थोड़े होते हैं हैवी, तो ये तो मेरे भी थोड़े चले गए यार, मतलब मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए आया इसे चले गए बाकी ऊपर। अब आप ये मैं सोचना कि पीछे तो घोड़े लगे हुए थे, उन घोड़ों को भी ले सकता हूँ, नहीं वो चार घोड़े जो मतलब वो ऐसे ही लगे हुए हैं खाली, जो टल स्ट्राइक मेरे पास भी है ना, मैं कहीं भी जाके छोड़ सकता हूँ, पर अभी यूज़ करा नहीं करूँगा अभी नहीं, एकदम लास्ट में एंड यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है लास्ट में। यार शिट घोड़े भी यहाँ पे तुम्हारे फंस गए, दोबारा फंस गया, पक्का फंस चुका हूँ, गया मैं जा चुका हूँ भाई, मर चुका हूँ दोबारा मर चुका हूँ, मेरे बंदे टाइम लगेगा इनका, वो भी जाके कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे घोड़े भी हैं। और देखो अगर वहाँ पे मतलब सिर्फ ट्रुप्स ट्रुप्स से लड़ जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रुप्स मतलब जो उनके सैनिक है अपने सैनिक से लड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस अगर उनका मतलब हेड जो है ना जैसे ये है
अपने जो कैरेक्टर्स हैं, अगर ये वहाँ पर हुआ तो ये तुरंत तुरंत मार देंगे, क्योंकि मैं भी अकेला मार सकता हूँ किसी जल्दी, तुरंत मार सकता हूँ जल्दी किसी को। पर ये ट्रुप्स ट्रुप्स में लड़ाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 17 मिनट रुकना पड़ेगा, 17 सेकेंड। मार भाई मार। चलो आगे अब लेके चलते हैं को दोबारा, क्योंकि घोड़ों में चाहिए आते हैं ना, उनके पास चले गए घोड़े लेकर, स्टार्टिंग में सब घोड़े लेकर आते हैं, क्योंकि घोड़े जो है मतलब स्पीड में मारते हैं और तुरंत लाइन से मारते चले जाएंगे। और ये जो अपने यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये घोड़ों के लिए एकदम रामबाण है, घोड़ो के ऐसे कर देते हैं सब। देखो अपने पास भी घोड़े ही हैं, देखा मैंने बोला था ना अपोनेंट्स भी घोड़े लेके चलते हैं, हम भी घोड़े लेके चलते हैं। देखो घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं भाई सब, तीर वाले आगे थोड़े बहुत, ये घोड़े वो भी घोड़े। अरे मारना उधर है, कहाँ जा रहे हो उधर? चलो भाई थोड़ा देखते हैं हम भी क्या कर सकते हैं। तो यार तीर वालों के लिए प्रोटेक्शन कोई नहीं दे रहा, अपने बुलाते हैं हमारे वाले थोड़ा प्रोटेक्शन दे देंगे। क्योंकि तीर वाले में ज़्यादा पावर नहीं होती है, इनको कोई भी मार सकता है तुरंत आके, पर लेकिन ये सब जो होते हैं इन सब में थोड़ी पावर होती है, इन सब को जल्दी कोई मार नहीं पाया। तो अब चलते हैं वापस नीचे ही, क्योंकि नीचे में बंदे जो हैं अपने लड़ने में लगे पड़े, थोड़ा हेल्प हेल्प कर दो थोड़ा बहुत सकते। अरे पता नहीं क्यों मेरे पावर में दिखते नहीं है पावर, जैसे देखो ये अकेले पे तीन तीन लड़के, यार ये शेट शेट फिर दोबारा ना मर जाऊँ मैं, ओ शेट यार, बट यही दिमाग ख़राब होता है इसमें, अकेले पे तीन तीन भिड़ जाते हैं। वहाँ पे देखा था पूरी टीम भिड़ गई थी मेरे साथ, घोड़े थे वहाँ पे, तीर वाले, एक बंदा भी था वहीं पे। अब घोड़ों की पावर ज़्यादा होती है घोड़े वाले में, लोग उसे मारने में तुरंत मार देंगे। चले यहाँ बंदे भी अपने ये सब ढेर लगाने लगे पड़े इन सब। जाओ यार तुम अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ पे जाके हेल्प करो उनको, मैं तुम सारे बंदे ख़त्म करते जा रहा हूँ बस आ रहा था, ये सब आए थे भाई। बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं यार, इसमें अपने बंदे बचा के रखेंगे, हम सब यहाँ पे आकर अपने बर्बाद करते हैं। चलो सीधे कैप्चर हो गया, टाइम और मिल चुका है दोबारा 7 मिनट 30 सेकंड हो चुका है, अब मैं आऊँगा तो थोड़ा बहुत देखते हैं क्या करते हैं। ऊपर से देखा कैनन से जा रहे हैं, वो कैनन होते क्या है देखो दिखाऊंगा कैनन क्या होते हैं। अपने पास जो बंदूक वाले बंदे जो होते हैं ना बंदूक वाले, उनके पास वो भी होते हैं ग्रेनेड्स भी होते हैं, तो वो ग्रेनेड्स फेंक फेंक के मारते हैं। हाँ चलिए ये लेके चलता हूँ, क्योंकि इनमें स्पीड होती है थोड़ी बहुत, एकदम से रेल लगा दूँगा जाकर, स्पीड भी होगी और एकदम देखो भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ नीचे में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बंदे मतलब नीचे दिख रहे होंगे आप, इसमें बंद दबाने से एकदम स्पीड में जाते हैं सारे बंदे। देखो बंद दबा के एकदम आगे कर दूंगा तो कितनी स्पीड में जाएंगे, 3 2 1 लेट्स गो, एकदम स्पीड में। ये सब बंदे रुके हुए यार, मैं भी रुकी जाता, हेल्प करनी है ना भाई। चलते हैं यार, वो अकेले पड़ जाएंगे बच्चे, वहाँ बच्चे तो नहीं मतलब यार वो तबियत, देखो सब पूरी टीम यहीं पे भाई सब, फिर मैं तरह से स्ट्राइक नहीं बुलाऊंगा, देखो अधिक है तो वहाँ गिर चलता है यार, शेट किसी और ने यूज़ कर रखा है। हाँ मतलब ये होता है कि इसमें मतलब अगर आप कोई टीममेट यूज़ कर रखा होगा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, 20 सेकंड तक देखो यार शेट, अपने बंदे को निकालना पड़ेगा, अब क्या निकालना तो मरेंगे ही मरेंगे, उनकी मारेंगे अपनी मारेंगे। तो यार यार क्या कर रहे हैं सर, हाथ को भी देख रहे हैं बुला तो पड़ेगा छोड़ दे, कोई और बुलाया जा रहा है, अब बुलानी पड़ेगा बहुत,
निकलते हैं अभी। बस अच्छा वही गया लगभग गया अपने आगे। देखो उधर देखो ऊपर देखने का लिखा इतना मस्त सीन सीन दिखाने देता है। वो यार मेरे को मार दिया यार कुछ भी खत्म कर दिया यार। फिर 63 सेकंड इतना पड़ेगा मेरे को अगर ये सब थोड़ा हेल्प करें तो सीख जाएंगे। वो देखो आ रहा है देखो ऐसे आते हैं ये क्या नाम तो जिसको बोलते हैं गिरता भी एक ही जगह है सारे जहाँ पे सेट कर दो वही जाके गिरेंगे। अबे भाई नीचे खड़े करा क्या पर भेज नहीं रहा है। वाह वाह अच्छा लड़की है अब ना कुछ कह नहीं सकता भाई। अबे भेज दे आखिर क्या करेगी इस तरह के। अरे कहाँ घुस गए। तो भाई चलो हम वापस आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं दोबारा। अबे ये क्या हुआ मैच ख़त्म। वाह 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 मज़ा आ गया। चलो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और मेरे को कमेंट करके दोबारा बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगली वीडियो में।